और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिस बिल द ऑटर चैप्टर के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है गेविन मैक्सवेल। यार ये चैप्टर ना कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा टफ लगती है, क्योंकि इसमें यार बहुत ही भयंकर भयंकर वर्ड यूज कर रखे हैं जो कि दिमाग के ऊपर से निकल जाती है और हमें यार कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यार चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यार इसे बहुत ही ईजी वे में और एकदम कहानी के तौर पर सुना दूंगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो यार चैप्टर शुरू करने से पहले ना यार हम लोग ऑटर के बारे में जान लेते हैं कि यार ये ऑटर है क्या। ऑटर यार एक तरह का जानवर होता है, एक एनिमल है, ठीक है, जो कि यार नेवले के जैसा कुछ ढंग का दिखता है। नेवला है नहीं, लेकिन नेवले के जैसा दिखता है। ऑटर को यार हम लोग हिंदी में उतबिलाव कहते हैं, जैसे कि यार डॉग को कुत्ता, कैट को बिल्ली कहते हैं ना, वैसे यार ऑटर को हम लोग उतबिलाव कहते हैं। और इसे ना यार पानी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए यार ये पानी वाले इलाके में या फिर कीचड़ में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो यार ऑटर के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी मोड़ी जानकारी दे दी है, बाकी यार तुम्हें इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। तो चलो यार चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो जो हमारे राइटर है ना गेविन मैक्सवेल, ये यार स्कॉटलैंड में एक जगह है कैमिसफेयर ना, वहाँ पर यार ये कॉटेज में रहते थे और इनके पास यार जॉनी नाम का एक कुत्ता था जो कि यार मर जाता है। और कुत्ते के मरने के बाद ना यार ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। जैसे कि यार हमारा भी कोई पालतू जानवर मर जाता है तो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे कोई फैमिली मेंबर ही मर गया हो, हमें ऐसा लगता है ना यार। तो उसी ढंग से यार हमारे राइटर को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके यार हमारे राइटर साहब ने अपने आप को संभाला और ठान लिया कि यार आज से ना मैं कोई कुत्ता उत्ता नहीं पालूंगा। फिर यार 1956 के नए साल में हमारे राइटर का एक दोस्त जो है यार वो इराक जा रहे थे। इराक में एक जगह है बसरा, वो वहाँ जा रहे थे। बसरा जाकर उन्हें यार कॉन्सुलेट जनरल के पास जाना था और वहाँ से यार उनको मेल कलेक्ट करना था। एक मेल आने वाला था यार यूरोप से, तो वो मेल उनको यार कलेक्ट करना था वहाँ जाकर, तो इसलिए यार वो लोग इराक जा रहे थे। तो यार रास्ते में जाते जाते उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार कुत्ते की जगह मुझे ऑटर पालना चाहिए। और ऐसे भी जहाँ मैं रहता हूँ कैमिसफेयरना में, उससे जस्ट पास में ही यार वाटर वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा पानी वाला इलाका है, तो यार ऑटर जो है ना वो आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे और आसानी से इसे पाला जा सकता है। तो वो यार ये सारी बातें अपने दोस्त से शेयर करते हैं और दोस्त को कहते हैं कि देख भाई मुझे ना यार ऑटर पालना है, क्योंकि यार कुत्ता तो मैं इस बार पालने वाला नहीं हूँ। तो उनका दोस्त कहता है हाँ दोस्त पालो ना, क्या ही दिक्कत है, और ये जो ऑटर है तुमको टिग्रिस मार्शेस में आराम से मिल जाएगा। अरब के जो लोग होते हैं इस जानवर को बहुत ज़्यादा पालते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पर। जैसा कि यार हमारे आसपास मच्छर कॉमन है ना, उसी ढंग से यार ऑटर जो है ना वो अरब में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ के ज़्यादातर लोग ना यार ऑटर को पालते हैं। और फिर यार ये इसी बात पर ना डिस्कशन करते करते बसरा पहुँच जाते हैं, और बसरा पहुँचने के बाद यार ये काउंसलेट जनरल के पास जाते हैं, और काउंसलेट जनरल के पास पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि धत तेरे की, हमारे राइटर का जो दोस्त था ना यार उसका तो मेल आ चुका था लेकिन हमारे राइटर का मेल नहीं आया था। तब यार हमारे राइटर इंग्लैंड एक मैसेज भेजते हैं कि देखो भाई साहब ऐसा है कि हमारे दोस्त का तुमने मेल दे दिया, लेकिन यार तुम हमारा मेल नहीं दिए, ऐसा कैसे बे। लेकिन यार 3 दिन तक उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर यार हमारे राइटर जो है ना वो टेलीफोन लगाते हैं इंग्लैंड, लेकिन यार टेलीफोन लगाने के लिए ना हमें 24 घंटा पहले एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती थी कि तुम्हें टेलीफोन लगाना है। तो वो यार 24 घंटे पहले ही अपना बुकिंग कर लेते हैं, और फर्स्ट डे जब वो कॉल लगाते हैं तो यार नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बताता है, कहता कि देखो भाई साहब आप जिस व्यक्ति को कॉल लगा रहे हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। फिर यार वो दूसरे दिन कॉल लगाते हैं, लेकिन यार दूसरे दिन भी उनका फोन बंद बता रहा था, क्योंकि यार कुछ रिलीजियस हॉलीडे था तो इसलिए वो फोन बंद था। फिर यार वो तीसरे दिन लगाते हैं, लेकिन तीसरे दिन भी यार किसी कारण बस उनका बात नहीं हो पाता है। तो अब ना यार उनका दिमाग खराब होने लगता है कि यार क्या यार मैं इतने दिन से फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। उनका दोस्त भी यार उनको छोड़कर चला जाता है। लेकिन फाइनली यार 5 दिन बाद उनका मेल यार उनको मिल जाता है, और वो मेल कलेक्ट करके यानी कि लेकर वहां से और बेडरूम में चले जाते हैं ताकि वो उसे पढ़ सके। अब यार वो बेडरूम में पहुंचने के बाद देखते हैं कि 2 अरब जो है वो पालथी मारकर जमीन पर बैठे हुए हैं, और उनके पास यार एक बैग है, एक झोला है, या फिर तुम कह सकते हो कि यार एक तरह का बोरा है, जिसमें यार कुछ है जो कि यार बार बार ना हिल डुल रहा है। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि यार छटपटा रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हमारे राइटर साहब को देखने के बाद जो वो दोनों अरब के लोग थे यार वो उठते हैं और हमारे राइटर को यार एक लेटर पकड़ा देते हैं कि ये लीजिए भाई साहब आपके दोस्त ने एक लेटर दिया है आपको, और वो वहां से चले जाते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये रहा तुम्हारा ऑटर, मतलब कि यार उनके दोस्त ने ऑटर जो है एज ए गिफ्ट यार उनको दे दिया। ऑटर को देखने के बाद यार हमारे मैक्सवेल भैया बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, वो कहते हैं हाँ दोस्त हो तो ऐसा। वो यार उस बोरे को खोलते हैं, उसमें से यार ऑटर बाहर आता है, और ऑटर ना यार सर से लेकर पांव तक बहुत ही गंदा था, क्योंकि यार वो कीचड़ में रहना पसंद करता है, मैंने तुम्हें बताया था यार, तो वो कीचड़ में से लेके आए थे तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। बोरे से बाहर आने के बाद ऑटर यार अपने आप को शेक करता है, अपने आप को झाड़ता है, तो जितने भी कीचड़ थे यार वो जमीन पे बिखर जाते हैं, ठीक है, मतलब यार पूरा फ्लोर ना उसके कारण गंदा हो जाता है। लेकिन यार हमारे मैक्सवेल भैया कहते हैं कोई नहीं, गंदा हो गया तो हो गया, हम इसको यार चमका देंगे एकदम धो धा के। वो जो ऑटर था यार वो बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा यार धूल मिट्टी उसके ऊपर लगी हुई थी, कीचड़ उचड़ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी यार उसके बावजूद भी हमारे राइटर को ना उसका जो सॉफ्ट वेलवेट कलर का जो फर था ना वो दिखाई देता है, जो कि यार चॉकलेट ब्राउन कलर का था। और हमारे राइटर साहब यार उसको धो धा के नहा वहा एकदम साफ करते हैं, लेकिन यार फिर भी वो पूरी तरह से साफ नहीं होता है, क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। यार उसका असली कलर देखने के लिए ना राइटर को 1 महीना लग गया, 1 महीने तक लगातार उसको साफ करता रहा। और फिर हमारे मैक्सवेल भैया ने उस ऑटर का नाम दिया मिजबिल, मतलब यार मिजबिल जो है ना उस ऑटर का नाम था, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम पड़ गया मिजबिल द ऑटर।
अब यार तुम्हें एक बात पता होगा कि किसी भी जानवर का ना यार एक साइंटिफिक नेम होता है या फिर किसी भी चीज का ना यार एक साइंटिफिक नेम होता है, लेकिन हमारे ऑटर का ना यार कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं था, अभी तक कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं था। लेकिन यार फिर बायोलॉजिस्ट ने इनका एक नाम दिया, इस ऑटर का यार एक नाम दिया, वो नाम था ल्यूट्रोगेल परस्पिसलेटा मैक्सवेली। मतलब देख रहे हो कितना भयंकर नाम है यार, साइंटिफिक नेम ना ऐसे ही भयंकर भयंकर होते हैं। या फिर तुम लोग कह सकते हो कि मैक्सवेल ऑटर उसका एक नाम दिया गया, या तो तुम उसको यार मैक्सवेल ऑटर के नाम से उसको पुकारो या फिर तुम उसको कहो ल्यूट्रोगेल परस्पिसलेटा मैक्सवेली। कई लोगों को तो यार ये प्रोनाउंस करना ही नहीं आएगा, वो ऐसे कहेंगे पता नहीं क्या लिख दिया है। चलो तो यार अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यार ऑटर जब पहले पहले दिन आया था ना, तो हमारे राइटर साहब से ना वो दूरी बनाकर रखता था, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखता था, उनके पास नहीं जाता था और उनके बेडरूम में जितना दूर हो सके यार उतना दूर वो सोता था। हो सकता है कि यार वो हमारे मैक्सवेल भैया से डर रहा होगा। लेकिन दूसरे दिन की रात में जो हमारा मिजबिल ऑटर है वो यार हमारे राइटर के बेड पर चढ़ जाता है, ठीक है, और उनके घुटनों के बीच में एक जगह होती है, ठीक है, नी के बीच में यार एक जगह होती है, वहां पर जाकर वो सो जाता है और तब तक सोया रहता है जब तक कि सुबह जो नौकर है वो चाय लेके हमारे राइटर के लिए नहीं आता है। धीरे धीरे मिजबिल का इंटरेस्ट यार हमारे राइटर में आने लगा, यानी कि जो हमारा ऑटर है जिसको यार हम लोग मिजबिल के नाम से जानते हैं, अब वो यार धीरे धीरे राइटर के करीब आने लगा। उसके आसपास में उसके सराउंडिंग में जितने भी सामान रहते थे यार उसमें यार वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा, क्योंकि यार शुरू शुरू में ना ये सारी चीजें उसको अजीब लग रही थी। उसको लग रहा था कि कहां से कौन से जंगल से उठाकर मुझे इस महल में लाकर रख दिया, और अजीब लगेगी भी यार, क्योंकि यार उसको यार उसके परिवार से छीन कर तुमने यार अलग कर दिया, तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मतलब फिर यार हमारे राइटर साहब ने एक बेल्ट बनाया ताकि वो मिजबिल को घींच कर कहीं से ले जा सके, ठीक है, जैसे कि कुत्ते उत्ते में पट्टी नहीं बांध देते हैं ताकि कुत्ता वो घींच सके, तो वैसे ही हमारे राइटर ने एक बेल्ट बनाया ताकि वो उसे घींच सके। और यार उसे वो घींच कर बाथरूम में ले गए, और बाथरूम में जाने के बाद यार आधे घंटे तक हमारा जो ऑटर है, हमारा जो मिजबिल है यार, वो पानी के साथ खेलते रहा। मतलब पानी देखने के बाद यार वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि यार मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑटर्स होते हैं यार उनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए वो पानी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही इंजॉय कर रहा था। बाथटब में जो पानी भरी हुई थी यार उसके अंदर वो डुबकियां मार रहा था, उछल कूद रहा था, उसके अंदर जाकर स्विंग कर रहा था, मतलब यार पूरी मस्ती चल रही थी उसकी। पानी के प्रति जो ऑटर का लगाव था ना यार, ये चीज़ देखकर हमारे राइटर साहब कहते हैं कि मुझे भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑटर का है ये मुझे भी सीखना है। अब यार ऑटर का ना पानी को लेके एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनके हिसाब से जितने भी पानी के ड्रॉप्स हैं ना यार वो साइलेंट नहीं रहने चाहिए, मतलब कि यार वो ना मूव करते रहने चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहने चाहिए। अगर वो पानी स्थिर रहेगा ना तो यार ऑटर्स को वो पसंद नहीं है। ऑटर्स को है कि यार पानी इधर उधर उछलते कूदते रहे, मतलब कि यार उझल दो या फिर फुहारे मारो पानी का। पानी अगर है तो उसे यार मूव कराते रहो, अगर वो रुक गया तो वो पानी नहीं है, ऐसा यार ऑटर्स का मानना है। अगर तुम उसे एक कटोरे में या फिर एक बर्तन में अगर पानी दे दोगे तो वो यार उसको उझल देगा या फिर उसको वो गिरा देगा। अगर वो उसको गिरा नहीं पाएगा तो वो यार उसमें खुद घुस कर यार पानी को, मतलब कि यार पानी को कैसे भी कैसे कर यार उस कटोरे से बाहर निकाल देगा। उसको यार एक जगह पानी रहता है ना तो उसे अच्छा नहीं लगता, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना हमारे राइटर को भी सीखनी थी। अब दो दिन बाद जैसे ही हमारे राइटर साहब अपने बेडरूम में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि यार जो मिजबिल था ना वो बहुत ही तेजी से वो बेडरूम से भागता है और सीधा यार बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में घुसने के बाद यार वो अपने पाँव से उस टैप को खोलने की कोशिश करता है, जो नल लगा होता है ना यार बाथरूम में, उसको वो अपने पाँव से खोलने की कोशिश करता है, और लेस देन ए मिनट यानी कि एक मिनट से कम में भी वो उस नल को खोल लेता है और यार पानी जो है वो धीरे धीरे करके पूरा गिरने लगता है। अब हमारे मैक्सवेल भैया कहते हैं कि आज तो इसका दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लकी दिन था कि यार इसने सही डायरेक्शन में नल को घुमाया और पानी गिरने लगा, वरना कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये नल को खोलने की बजाय उल्टा कस देता है, और यार जब पानी नहीं गिरता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार पानी क्यों नहीं गिर रहा है, पानी गिरो, पानी नहीं गिरता है। धीरे धीरे यार मिजबिल का लगाव हमारे राइटर साहब से बढ़ता चला गया, मतलब कि यार राइटर जब भी उसके सही नाम से पुकारते कि मिजबिल इधर आओ तो वो भागा चला आता था, ठीक है, अपना ज़्यादातर टाइम यार वो खेलने में बिताता था। एक रबर की बॉल होती है ना उसको वो लेकर और एक अच्छे खिलाड़ी की तरह वो खेलता था, अपने पाँव से बॉल को पकड़ता और झटके के साथ या गर्दन से फेंक देता था, फिर यार वहाँ जाकर उसको पकड़ के लेके आता था। अगर तुमने कभी भी डॉग पाला हो ना तो तुमने ये गेम जरूर खेला होगा उसके साथ, तुम यार बॉल फेंकते होगे तो तुम्हारा डॉग जो है वो जाता है मुंह में यार बॉल पकड़ के उठा कर ले आता है। मतलब यार जानवर जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, ये हमारे राइटर साहब बताना चाह रहे हैं तुम्हें। मिजबिल का यार रियल गेम या फिर तुम कह लो फेवरेट गेम ये था ना कि वो यार पीठ के बल लेट जाता था और बॉल को यार ऊपर हवे में उछालता था, जगल्स करता था, बॉल को ऊपर फेंकता या फिर किसी भी चीज को ऊपर फेंकता, फिर उसको रोक लेता, फिर उसको फेंकता, और ऐसे ही वो खेलता था। और सबसे ज्यादा ना यार वो मार्बल से खेलता था, मतलब यार मार्बल्स को उछालता था और फिर यार कैच कर लेता था, फिर उछालता था, फिर कैच कर लेता था, और यार मार्बल्स को नीचे गिरने नहीं देता था वो। अब यार बसरा में हमारे राइटर की जिंदगी मिजबिल के साथ बहुत ही सुकून से चल रही थी, बहुत ही एकदम अच्छे से चल रही थी। लेकिन यार वो बसरा में कब तक रहते, उनको अपने घर कैमस फेरना तो जाना ही था ना यार, तो वो इस बात को सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान थे कि यार मैं तो कैमस फेरना चल जाऊंगा लेकिन मिजबिल को कैसे ले जाऊं। उन्होंने यार ब्रिटिश एयरलाइन से भी बात की जो कि यार लंदन तक जाती है, तो ब्रिटिश एयरलाइन वालों ने कह दिया कि देखो भाई साहब ऐसा है कि हम यार जानवर को अलाउ नहीं करते फ्लाइट में, तो आप जानवर को नहीं ले जा सकते हो। तो यार राइटर ने किसी दूसरे एयरलाइन से पेरिस तक की फ्लाइट बुक की और फिर पेरिस से लंदन तक की फ्लाइट बुक की। पहले वो इराक से पेरिस तक जाएंगे और फिर पेरिस से लंदन जाएंगे।
अब उस दूसरे एयरलाइन वालों ने अलाउ तो कर दिया कि आप जानवरों को ले जा सकते हैं, मतलब कि आपका जो ऑर्डर है उसको आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ना 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में ही ले जाना पड़ेगा और उस बॉक्स को फ्लाइट में अपने पैरों के पास रखना पड़ेगा। मतलब 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में ही रखना पड़ेगा और अपने पैर के पास रखना पड़ेगा, ये शर्त रखी उन एयरलाइन वालों ने। हमारे मैक्सवेल भैया ने यार बिल्कुल ऐसा ही किया, उन्होंने यार एक बॉक्स बनाया और उसमें यार एक घंटा पहले ही मिसबिल को रख दिया ताकि वो थोड़ा कंफर्ट हो जाए कि जब भी हम स्टेशन पे जाए या फिर प्लेटफॉर्म पे जाए ना तो वो जल्दी से घुस जाए उस बॉक्स में। इसीलिए उन्होंने एक घंटा पहले ही उसको यार रख दिया उस बॉक्स में और यार खुद खाने चले गए। और जब हमारे राइटर साहब खाना खाकर वापस आए तो उन्हें यार दिल दहलाने वाला एक दृश्य दिखा। उन्होंने ये देखा कि जो बॉक्स था यार वो कम्प्लीटली साइलेंट था, उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। जो एयर होल्स थे यार उस बॉक्स में, जो यार सांस लेने के लिए मिसबिल के लिए दिया गया था, वो एयर होल्स जो हैं और जो ढक्कन है यार ऊपर का, वो पूरा ब्लड से कवर्ड है। मतलब यार ब्लड जो है वो निकल के सूख गया है वहाँ पर। तो यार राइटर को लगा कि यार क्या ही हो गया, मिसबिल कहीं मरवर तो नहीं गया अंदर में। तो यार उन्होंने जल्दी जल्दी यार जो है वो उस बॉक्स को खोला। ठीक है, बॉक्स को खोलते से ही उन्होंने देखा कि जो मिसबिल था यार वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ही अननोइंग सा साउंड निकालने लगा, वो पेनफुल साउंड निकालने लगा और जल्दी से उस बॉक्स से बाहर निकल के और हमारे राइटर का पैर है वो पकड़ लेता है। हो सकता है कि यार मिसबिल को ऐसा लगा हो कि राइटर ने यार मुझे बंद कर दिया और वो कहीं खुद चले गए हैं। तो यार वो जल्दी से उस बॉक्स से निकल कर और राइटर का पैर पकड़ लेता है। मिसबिल ने यार उस बॉक्स को पूरा फाड़ दिया था, कुतर दिया था और यार राइटर ने भी हमारे यार ऊपर से जितने भी पार्ट्स थे यार जल्दी जल्दी खोलने के चक्कर में फाड़ दिए थे उस बॉक्स को। और यार उन्होंने जितने भी कॉर्नर्स थे ना यार उसको भी धीरे धीरे फाड़ दिया ताकि जो कोई भी कटिंग्स पॉइंट न बच जाए, मतलब कि कुछ ऐसा कोना न बच जाए जिससे यार मिसबिल को कुछ खरोच रोच आ जाए और फिर यार ब्लड ब्लड लग जाए, खून वून बहने लगे उसका, इसलिए उन्होंने कॉर्नर को भी फाड़ दिया। फ्लाइट का यार टाइम हो चुका था, सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे और वो यार एयरपोर्ट से 5 माइल्स दूर थे। मतलब यार 5 मील का डिस्टेंस यार उनको कवर करना था और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। वो यार जल्दी जल्दी मिसबिल को फिर से बॉक्स में रखते हैं और कार में बैठ जाते हैं और कार का ड्राइवर यार बहुत ही तेजी के साथ गाड़ी भगाते हुए ले जा रहा था। मतलब यार एकदम तूफान की तरह वो गाड़ी चला रहा था, जहां भी टर्न आ रहा था यार सट से टर्न ले रहा था और बहुत ही तेजी के साथ यार वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि यार सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे ना यार, तो यार जल्दी जल्दी भगा रहा था वो। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमारे मैक्सवेल भैया यार जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। अंदर यार जितने भी ऑफिसर्स थे यार वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम यार इतना लेट क्यों आ रहे हो। लेकिन यार लकीली हमारे राइटर का जो सीट था ना यार वो फ्रंट में था, इसलिए ज्यादा देर नहीं हुआ और वो जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठ गए। वो यार अपने पैरों के पास न्यूज़पेपर फाड़ कर बिछा देते हैं और यार बेल बजाते हैं ताकि एयर होस्टेस आए। एयर होस्टेस जब यार उनके पास आती है तो वो यार उसको एक पार्सल देते हैं, एक मछली का पार्सल देते हैं, कहते हैं यार देखो इसमें मछली है और ये मेरे मिसबिल के लिए, तो आप प्लीज़ इसे किसी ठंडे जगह पर रख दीजिए। और पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी होता है ना यार उनके साथ, वो सारा चीज़ यार उस एयर होस्टेस के साथ शेयर कर देते हैं। तो यार वो एयर होस्टेस ना यार बहुत ही काइंड नेचर की थी, वो कहती है कोई दिक्कत नहीं है महाशय, कोई दिक्कत नहीं है, और वो सजेस्ट भी करती है कि आप ऑर्डर को उठाकर अपने घुटनों पर रख लीजिए। हमारे मैक्सवेल भैया यार उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं और उसके हाथ को लेकर चूमने वाले होते हैं कि तभी उनकी नज़र यार बॉक्स पे जाती है। वो देखते हैं कि यार मिसबिल उस बॉक्स से बाहर आ चुका है और इस हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में कहीं खो गया है। मतलब यार ये इतनी हाई स्पीड में जो एरोप्लेन चल रही है ना, इस एरोप्लेन में वो कहीं गुम हो गया, कहीं डिसअपीयर हो गया है। तभी यार अचानक से एक औरत उठती है और चिल्लाते हुए कहती है मम्मी चूहा चूहा चूहा। हमारे राइटर की नज़र यार मिसबिल की पूछ पर जाती है, तभी यार वो लपक कर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार मिसबिल जो है ना वो हाथ से छूट जाता है, वो फिर भाग जाता है कहीं पे। फिर यार हमारा मिसबिल एक इंडियन जिसके सर पर यार पगड़ी थी उसके पैरों के नीचे आ जाता है। सरदार यार हमारा घबरा जाता है और कहता है पाजी ये क्या है। तो यार ये सारी हरकतें देखकर एयर होस्टेस आती है और हमारे राइटर को स्माइल के साथ कहती है कि आप प्लीज़ अपने सीट पर बैठ जाइए और मैं आपको जानवर को ढूंढ कर दे दूंगी, यानी कि जो आपका मिसबिल है ऑटर है वो मैं आपको ढूंढ कर दे दूंगी। हमारे राइटर यार अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सीट पर बैठने के बाद हमारे राइटर जो है अपने गर्दन सीधा कर रहे थे, तभी यार उनको दिखाई देता है कि जो ऑटर था वो यार उनके पैर के पास आ गया था, यानी कि जो मिसबिल था ना यार वो उनके पैर के पास आ गया और धीरे से यार उनके घुटने पर चढ़ कर अपना मुंह जो है ना उनके नाक और मुंह में रगड़ने लगा। और ये जर्नी यार राइटर के लिए बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही इवेंटफुल रहा। और यार वो लंदन पहुंचने के बाद वो अपने फ्लैट में जाते हैं जहां पर यार वो नियरली एक मंथ के आसपास मिसबिल के साथ वो वहां पर रहे हैं। मिसबिल यार घंटों तक अपने टॉय के साथ खेलता रहता था, पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलता रहता था, मार्बल्स के साथ खेलता रहता था, मतलब यार उसके पास ना अलग अलग चीज़ें थे जिसके साथ वो खेलता रहता था। रबर वाला बॉल तो तुमने देखा होगा ना यार, उसी को पिंग पोंग बॉल कहते हैं। तो हमारे मिसबिल ने उस पिंग पोंग बॉल से ना एक अपना नया गेम इन्वेंट कर लिया था जिसके साथ यार वो खेलता था और बहुत ही खुश रहता था। हमारे राइटर का एक सूटकेस था जो कि यार वो इराक ले गए थे, तो वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था जब वो घर आ रहे थे। अगर तुम उस सूटकेस को बंद करते ना तो एक स्लोप बन जाता, और इसी चीज़ का फायदा उठाकर हमारा ऑटर जो मिसबिल था वो खेलता था इससे। वो यार सूटकेस का जो ऊंचा वाला पार्ट था ना यार वो वहां पर बॉल रख देता था और यार सूटकेस तो एक स्लोप बन गई है, तो यार बॉल जो है वो नीचे ढलक के यानी कि गुरक के नीचे आ जाती थी। ढलकावन बन गया ना यार, ढलकावन सा बन गया, स्लोप बन गया है, तो वो नीचे यार चली जाती थी। तो यार वो सूटकेस के अपर वाले पार्ट पर बॉल को रखता था और तेजी से यार दूसरे इंड पे चला जाता था सूटकेस के, और वहां से जब वो बॉल ढुलक के नीचे आती थी तो वो उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश होता था, और फिर यार वो ऊपर जाकर रखता था, फिर यार नीचे गिरती थी, फिर बॉल को ऊपर रखता था, फिर बॉल नीचे गिरती थी, और ऐसे ही करके वो खेलता था।
हमारे राइटर साहब ऑटर को यार बाहर ले जाते थे ताकि वो कुछ एक्सरसाइज कर सके, जैसे कि यार वो अक्सर अपने कुत्ते को ले जाते थे, अपने डॉग को ले जाते थे, उसी ढंग से यार हमारे ऑटर को भी ले जाते हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। लंदन की गलियों में घूमते घूमते यार ऑटर ने नया कुछ हैबिट्स डेवलप कर लिए अपने अंदर, जैसे कि यार वहां के स्कूल के बच्चे लोग करते थे, एक बॉक्स टाइप बनाया हुआ रहता था तो उसमें एक पैर रखना है, फिर यार दूसरे बॉक्स में पैर रखना है। हमने भी कभी कभी ऐसा कुछ रोड पे चलते चलते किया है, जैसे कि यार मैं तो अक्सर करते रहता हूँ कि रोड पे चलता हूँ तो पत्थर दिख जाए तो पत्थर को मारता हूँ, फिर आगे जाता हूँ फिर पत्थर को मारता हूँ, तो ऐसे चलता चला जाता है। तो वैसे ही हमारे मिजबिल ने हैबिट डेवलप कर ली है कि एक बॉक्स बनाया रहेगा उसमें पैर रखना है, फिर उसमें पैर रखना है, रेलिंग्स पे चढ़ते समय हमेशा जो सेवेंथ वाला रेलिंग है उसको टच करना है, हर दूसरे लैंप पोस्ट से मुड़ जाना है। तो ये सारी हैबिट्स जो है ऑटर ने डेवलप कर ली थी अपने अंदर। राइटर के फ्लैट के जस्ट अपोजिट में यार एक प्राइमरी स्कूल था, मतलब कि राइटर के जस्ट सामने यार एक प्राइमरी स्कूल था और उसका एक यार रेलिंग बनाया हुआ था, एक वॉल बनाया हुआ था, वॉल का रेलिंग बनाया हुआ था जो कि यार अराउंड 2 feet का रहा होगा, ठीक है, 2 feet हाइट थी उस वॉल की। तो मिजबिल हमेशा घर आते समय ना, घर से जाते समय नहीं, घर आते समय, घर जब भी वो आता था तो वो उस वॉल पे चढ़ जाता था, उस दीवार पे चढ़ जाता था जो कि यार 2 feet की हाइट थी, उस पर चढ़ के चारों तरफ यार वो घूमता था। और जब वो घूमता था तो यार वो स्कूल के बच्चे थे वो यार डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि यार स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो यार हमारा मिजबिल था यार वो वॉल पे घूमता था तो यार बच्चे उसको देखने लगते थे और डिस्टर्ब हो जाते थे। अब यार राइटर आगे सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लंदन के जितने भी लोग हैं उनको ऑटर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये बात उनको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देती है जब लंदन के लोग जो है यार अलग अलग गेस करते हैं इसके बारे में कि ये ऑटर के जगह पे कुछ और है। कोई यार इसको मोंगोज कहता है, कोई यार स्टॉट कहता है, कोई यार मिंक कहता है, मतलब लंदन के लोगों को पता ही नहीं था कि ऑटर क्या होता है। वो अलग अलग जानवर का नाम बताते कि ये इस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह का दिख रहा है, क्या ये जानवर है, क्या ये जानवर है। और कुछ लोग तो अजीब ही होते थे, मतलब कुछ भी गेस कर देते थे, रेंडम गेस, कोई कहता था ये बेबी सील है तो कोई कहता था ये गिलहरी है। अब गिलहरी की तरह तो हमारा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार ये, मतलब कैसे लोग है, कुछ भी कंपेयर कर देते हैं। तो कोई कहता था ये वॉलरस है, कोई यार इसको हिप्पो कहता था, तो कोई कहता था ये भालू का बच्चा है, और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये एक लेपर्ड का बच्चा है जिसने यार अपने स्पॉट्स जो है ना, जो काले काले धब्बे होते हैं लेपर्ड्स पे, वो छुपा लिए हैं, वो काले काले धब्बे हटा लिए हैं। लेपर्ड के बारे में मैंने पिछले पोएम में बताया था तुम्हें, मतलब कुछ भी बक देते थे, जो भी दिमाग में आता था ना यार वो बक देते थे। उन लोगों के हिसाब से मिजबिल जो है वो ऑटर को छोड़कर सब कुछ था, कोई कुत्ता बोल रहा है, कोई बिल्ली बोल रहा है, कोई गिलहरी बोल रहा है, कोई नेवला बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। और यार एक इंसान ने तो ऐसा सवाल पूछा ना जो कि यार ऑथर का दिमाग हिला दिया। ऑथर यार कहते हैं कि मैं उसको सबसे ज्यादा हाई स्कोर देना चाहूंगा उस सवाल को। वो सवाल यार एक लेबर ने पूछा था जो कि यार रोड पर गड्ढा खोद रहा था। उसने यार ऑटर को और हमारे राइटर को बहुत ही दूर से देखा और तभी यार अपना जो टूल्स था जो कि जिससे वो गड्ढा खोद रहा था उसको वो साइड में रखता है, अपने कमर पर यार हाथ रखता है, ठीक है, अपने हिप पर हाथ रखता है और यार हमारे राइटर को घूरने लगता है। हमारे राइटर यार धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगते हैं, उसकी तरफ जाने लगते हैं मतलब। और उसका फेस का एक्सप्रेशन है यार बहुत ही अजीब था, मतलब ऐसा था कि वो कह रहा था कि तुम मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख के कोई मेरा मजाक मत उड़ा देना वरना मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। मतलब यार कुछ अजीब ढंग का उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन था। हमारे मैक्सवेल भैया यार उसके आमने सामने चले जाते हैं, तब वो लेबर ऑटर को घूर कर देखता है और चिल्ला कर कहता है, हे मिस्टर ये कौन सा जानवर है, इसको क्या कहते हैं। और यार ये सुनकर हमारे राइटर हंसते रह गए, मतलब यार जहां पर सब लोग गेस कर रहे थे, कुछ ना कुछ बता रहे थे, वहीं पर ये बंदा पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, कोई गेस ही नहीं कर रहा यार, कम से कम गेस तो कर लो। तो बस यार यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाता है। चैप्टर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो यार तुम जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पे आओ बातचीत करते हैं। और अभी तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।